चैनपुर प्रखंड के बेलदोरा पंचायत के बमहनी गांव स्थित चार नाला में कच्चा बांध निर्माण की जांच बीते 30 जुलाई को पंचायत के वर्तमान मुखिया सुशील दीपक मिंज के द्वारा किया गया था, जिसमें में पाया गया था कि 4 माह पूर्व मार्च माह में ही योजना कार्य करने के नाम पर 1,73,775 रुपए की निकासी भेंडर व बिचौलियों के द्वारा कर ली गई है और अब काम का शुरुआत भी नहीं किया गया है, जिसकी जानकारी मुखिया के द्वारा विकास आयुक्त हेमंत सती को दे दी गई थी, जिसके बाद मंगलवार को गुमला अनुमंडल पदाधिकारी रवि आनंद व चैनपुर अनुमंडल पदाधिकारी प्रीति किस्कू के द्वारा संयुक्त रूप से योजना की जांच की गई। जांच करने पहुंचे पदाधिकारियों ने ग्रामीणों से निर्माण के बारे में पूछताछ में पता चला कि 1 दिन पूर्व ही काम को शुरू किया गया है। योजना स्थल पर कोई काम नहीं होने से असंतोष जाहिर की। वहीं गुमला अनुमंडल पदाधिकारी रवि आनंद ने कहा कि जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंप दी जाएगी। मनरेगा और 1415 फाइनेंस का जांच के लिए गुमला सिविल SDO रवि आनंद के साथ में हमारी चैनपुर SDO प्रीति किस्को आई हुई थी। उन्होंने देखा कि मनरेगा द्वारा बांध बनाना था, वहां पर कुछ भी काम नहीं हुआ है, और साथ में उन्होंने 15 फाइनेंस का काम को भी देखे। उन्होंने जाके देखा कि अभी जांच रिपोर्ट गया था, उसके बाद में उन्होंने जो काम किया है सिर्फ दिखावे के लिए काम किया है। उस जल में एक भी पानी नहीं है, टंकी भी लगा हुआ है तो टंकी में पानी नहीं है, और जो भी लगाया हुआ है सब बेकार पड़ा हुआ है, सारा लिपापोती हो गया है, सारा लिपापोती हुआ है, सिर्फ दिखाने के लिए काम किया गया है। क्या आश्वासन दिया SDO ने? SDO बोले कि अभी जाँच किया गया है और जाँच का रिपोर्ट उपायुक्त महोदय को दिया जाएगा, जांच उपरांत कार्रवाई होगी। क्या नाम है आपका? सुशील दीपक मिंज, JM जिला उपाध्यक्ष, चैनपुर बेलदोरा मुखिया। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।